अटलांटिस। अटलांटिस को एक समय धरती की सबसे खुशहाल जगह मानी जाती थी। एक समय पे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। वहाँ सोने और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे। तो फलों के बगीचे भी थे। शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार शासन व्यवस्था भी बहुत ही आदर्श थी। और तभी आई अचानक बर्बादी। एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामोनिशान ही मिट गया। असल में वहां एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहां ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने अंदर समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। उससे निकलने वाली काली राख ने पूरे क्षेत्र को अंधेर कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने लगी और उसका रंग ही बदल गया। ज्वालामुखी से निकलने वाली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। कई वर्षों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की पूरी तह तक नहीं पहुंच पाए। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई होगी, जिसके चलते समूची सभ्यता का सफाया हो गया। और सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया। इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है। प्राचीन ग्रीक में कालिस्टेक कहा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कालिस्टेक ही एकमात्र अवशेष है जो अटलांटिस के बारे में कुछ जानने की संभावना बनाए रखता है। अटलांटिस के बारे में यह कहानी प्लेटो की दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहाँ आलिशान महल और मंदिर थे जिस पर सोने चांदी की परतें चढ़ी हुई होती थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातु के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है जो पूरी तरह से सोने की बनाई हुई थी। उसे आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए थे। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। प्लेटो मानवीय स्वभाव के बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने अटलांटिस को धरती का स्वर्ग करार कर दिया था, लेकिन साथ में उन्होंने ऐसा भी कहा कि उसके राजा बहुत ही क्रूर थे और हमलावर थे। उन राजाओं ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार किए और दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। केवल वो एथेंस को ही जीत नहीं पाए थे और एथेंस पर हमला करने के लिए ईश्वर ने उसे सजा दी। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में थी। इन सारी प्राकृतिक आपदाओं से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और एक दिन एक बड़ा प्रलय आया जिनमें पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई। प्लेटो की कही ये कहानी सही है या इतिहास, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है।